सेट करनी है और एक अच्छी हैप्पी लाइफ जो एक हर लड़की चाहती है, अच्छा घर हो, अच्छा पति हो। बट अगेन मेरा कैरेक्टर डिफाइन हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ और कहाँ से कहाँ चेंजेस हो गए। थैंक यू सो मच। आप इस फिल्म के निर्माता भी हैं, आप निर्देशक भी हैं, आप कहानीकार भी हैं और आपने गीत भी लिखे। जी हाँ सर। इसके पहले आप क्या करते थे, आपका क्या जीवन शैली था, क्या संघर्ष था? सर मैं से पहले बैंकिंग में था, 5.5 ईयर मैं बैंकिंग में था और मैं बचपन से लिखते आ रहा हूँ, गाने लिखने का शौक था। गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब को देख देख के लिखा है। 2 साल पहले मैंने फर्स्ट एक एल्बम बनाई थी, उसके बाद लगा कि नहीं मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बैंकिंग जब ज्वाइन किया उस टाइम भी मैं मतलब मैं पहले कोलकाता में था, मैं बॉम्बे आया। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में आना था, इसलिए आना था क्योंकि बॉम्बे आना था। तो मैंने SBI बैंक और IDBI बैंक का एग्ज़ाम पास किया। SBI मुझे नागपुर भेज रही थी और IDBI ने बॉम्बे दिया, तो IDBI सेलेक्ट किया। घर वाले परेशान थे, इसलिए परेशान थे कि SBI इतनी बड़ी बैंक है उसको छोड़ के ये IDBI क्यों जा रहा है। लेकिन मेरा सपना था कि मैं बॉम्बे जाऊं, इसलिए मैं बॉम्बे आया। एवरी सैटरडे संडे बॉम्बे जा मैं लोगों से मिलता था, चीज़ें जानने की कोशिश करता था कि क्या करना है, कैसे करना है, मूवी कैसे बनती है, चीज़ें क्या होती है, कैसे डेवलप करना है। और वो 5.5 साल लगा इस सब चीज़ों को करने में, अब जाके ये मूवी आपको दिख रहा है कि हम लोग फ्लोर पर लेके आए हैं। इस फिल्म की खासियत क्या है? सर ये बैंकर्स को लेके मूवी है। मैं जब कहानी लिख रहा था उस टाइम मेरे पास 8-10 कहानी मैंने लिखी, फिर लगा कि नहीं बैंकिंग सब्जेक्ट आज तक इस पर मूवी बनी नहीं है, तो ये सबसे अच्छी सब्जेक्ट होगी मेरे लिए। और क्योंकि मैं एक बैंकर रहा हूँ तो सबसे पहले क्यों ना इससे स्टार्ट करूँ। मोर देन 1 करोड़ बैंकर्स हैं आज इंडिया में, अगर सेकेंड इंडस्ट्री है ये जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है। यूनिकनेस यही है कि एज एन सेल्समैन एज एन बैंकर आपकी लाइफ क्या है। ये बैंकिंग पे मूवी नहीं है, बैंकर्स की मूवी है। पर्सनल लाइफ को जो है ना हमने इसमें दिखाया है कि आप जब सुबह घर से 8 बजे निकलते हो और रात को 10 बजे घर जाते हो, तो आप किस तरह से घर जाते हो, कब घर से सुबह जब निकलते हो तो आपकी फीलिंग क्या होती है, और रात को 10 बजे आपकी फीलिंग क्या होती है। सुबह 8 बजे आपके बच्चे सोए होते हैं, आप मिल नहीं पाते हो। रात को 10 बजे जब घर जाते हो बच्ची सोई होती है, आप मिल नहीं पाते हो। तो वो फीलिंग्स जो है हमने उसको इसमें दिखाने की कोशिश की। आप अपने इस फिल्म के निर्माण में अपने सहयोगियों के बारे में बताइए। इसमें मेरे 3 सहयोगी हैं, एक मेरे साथ हैं अभी संतोष सर यहाँ पे, गोरे सर यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, गोरे सर एक्चुअली मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता था, अभी हूँ। मेरा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मशीन्स का बिजनेस था और मुझे लिखने का काफ़ी शौक है। मैं एक 2 किताबें लिख रहा हूँ, एक किताब रिलेशनशिप पर है और दूसरी एक तलाश नाम का एक सब्जेक्ट है। मतलब तलाश नाम वो नहीं रहेगा पर एक जीवन में हर एक आदमी कुछ तलाश करता है उसके ऊपर है, बट लिखने का काफ़ी शौक था। एक मूवी के बारे में भी लिख रहा हूँ, बट जब मेरे और एक दोस्त थे जो सुभाष बोरे हैं, उन्होंने मुकेश जी से इंट्रोडक्शन करवाया था। मुकेश जी ने कुछ स्टोरी बारी सुनाई और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इस फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर मैं यहाँ से जुड़ गया। मुकेश जी इस फिल्म के गानों के बारे में बताइए, आप इसके संगीतकार कौन हैं और इसके कैसे आपने इस गीत पर फिल्म का गीत गाया? सर मेरा बैकग्राउंड ये रहा कि मैं पहले लिरिसिस्ट था, सबसे पहले मैं गीतकार हूँ, तो इसलिए मैंने गाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया।